बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि जन अधिकार पार्टी सेवा, न्याय व संघर्ष के लिए जानी जाती है। कांग्रेस परिवार व पार्टी की विचारधारा मुझे हमेशा ऊर्जा देती रही है। हर धर्म के लोगों की विचारधारा की सुरक्षा और उसका सम्मान ही मेरा इतिहास रहा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब एक सशक्त आवाज है। वो राहुल गांधी जी में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे, एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब, वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुमार सिंह और खड़गे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुमार सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते, उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा, एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन लोग नहीं आ पाए चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ, इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक के हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है,
उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।